हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। अगर आप एक लेनोवो K8 प्लस यूज़ करते हो तो हाल ही में आपके फ़ोन में एक अपडेट आया होगा जिसमें आपको नवंबर 5 2018 का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फ़ोन में उस अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस आया है और क्या क्या प्रॉब्लम अभी भी दिखाई दे रहा है और अगर उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन है तो क्या है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये रहा मेरा लेनोवो K8 प्लस जिसको मैं अपडेट कर लिया। अगर आपको अपडेट वाला वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इसमें आपको नवंबर 5 2018 का सिक्योरिटी पैच दिया गया है, लेकिन आपको उस अपडेट के बाद इस फ़ोन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, मैं इस फ़ोन को कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे कोई भी यहाँ पर चेंजेस देखने को नहीं मिला। जो जो प्रॉब्लम इस फ़ोन में पहले था, अभी भी इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला जो प्रॉब्लम है, जब भी आप कॉल को काट करते हो तो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसकी वजह से स्क्रीन थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स करता है। और इसी के साथ साथ आपको कुछ गेमों में लैग दिखाई देगा, जैसे कि आपको पबजी में बहुत ज़्यादा आपको लैग देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में। और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट में बोला है कि उनके फ़ोन में चार्जिंग और बैटरी बैकअप को लेकर बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है इस अपडेट के बाद। जब भी आप फ़ोन को चार्ज में लगाते हो तो बहुत देर बाद चार्ज होता है और जो बैटरी है बहुत ही जल्दी ड्रेन हो रहा है। लेकिन पर्सनली मेरे इस फ़ोन में आपको अभी तक ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। मेरा फ़ोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाता है और जो बैटरी बैकअप वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग और बैटरी बैकअप को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो इसके लिए मैं आपको दो सोल्यूशन बता देता हूँ। तो पहला जो सोल्यूशन है, मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ लेनोवो K8 प्लस के जो बैटरी बैकअप का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो उस वीडियो में मैं जो जो चीज़ बताया था उसको आप फॉलो कर लीजिए। और उसके बाद भी अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो आप दूसरा जो मेथड है उसको ट्राई कीजिए। आप आपके फ़ोन के जो बैटरी है इसको आप एक बार कैलिब्रेट कर लीजिए। अभी कैलिब्रेट कैसे करना है, आप फ़ोन को लगातार यूज़ कीजिए जितना देर तक ये 0% चार्ज होकर अपने आप शट डाउन ना हो जाए। उसके बाद आप चार्जिंग में लगाइए। आपका जो जेन्युइन चार्जर है जो फ़ोन के साथ आया था उसको यूज़ कीजिए। अगर वो ख़राब हो चुका है तो आप कोई भी जो ओरिजिनल चार्जर है उसको यूज़ कीजिए। और उसके साथ साथ जो केबल है उसका भी ध्यान रखिए कि जो केबल है वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद आप इसको चार्ज कीजिए और स्विच ऑफ कंडीशन में आपको इस फ़ोन को 0 से 100 तक पूरी तरीके से चार्ज करना होगा। इसके दौरान आपको अपने फ़ोन को चार्जिंग से बिल्कुल भी हटाना नहीं है, आपको 0 से 100% तक आपको फुल चार्ज करना होगा। उसके बाद आप फ़ोन को स्विच ऑन कीजिए और उसके बाद यूज़ कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपके फ़ोन में जो बैटरी बैकअप का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं होता है तो इस प्रोसेस को आप दोबारा कीजिए। और अगर आपके फ़ोन में अभी भी बैटरी बैकअप को लेकर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आपके फ़ोन का जो बैटरी है उसमें कोई भी दिक्कत हो, तो आप सर्विस सेंटर जाके जो बैटरी है उसको आप रिप्लेस कर लीजिए। और इसी के साथ आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो। मेरे कुछ व्यूअर्स ने बोला है कि जब भी उन्होंने जो डेवलपर मोड है उसको ऑन किया उसके बाद उनके फ़ोन में बैटरी बैकअप को लेकर दिक्कत आ रहा है। तो आप जो डेवलपर मोड है इसको आप एक बार ऑफ करके चेक कीजिए कि आपके फ़ोन के जो बैटरी है वो कैसा चल रहा है। तो डेवलपर मोड को कैसे ऑफ करते हैं, इसके लिए आप सेटिंग में जाइए, उसके बाद जाइए सिस्टम पे और इसके बाद आपको डेवलपर नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको उसमें टैप करना है। और उसके बाद देखिए, अगर ये ऑन है तो आप इसको सिंपली ऑफ कर दीजिए। और अगर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपके फ़ोन में अभी तक डेवलपर मोड ऑन नहीं हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को आप चेक करके देख सकते हो कि आपके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो इम्प्रूव हो रहा है या फिर नहीं। और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाला प्रॉब्लम है इसका अभी कोई सलूशन नहीं है, आने वाले अपडेट में ही ये फिक्स हो सकता है। लेकिन जब भी आप फ़ोन को काट करते हो तब जो पावर बटन है इसको आप एक बार दबा दीजिए, इससे फ़ोन स्लिप हो जाएगा और उसके बाद दोबारा फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न लॉक से आप फ़ोन को ओपन कर लीजिए, इससे जो फ़ोन है जल्दी ओपन हो जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो या फिर आप ईमेल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टूर YouTube चैनल को और पास वाले बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना।